दृष्टि कोचिंग को सील कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है जहां पे दिल्ली हादसे के बाद अब दृष्टि कोचिंग समेत तमाम को सील करने की कार्रवाई एमसीटी की ओर से की जा रही है। कल शाम को ये आदेश दिया गया था दरअसल एमसीटी की ओर से कि जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जहां पे अनियमितताएं हैं, हीला हवाली है, लापरवाही है, बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच बड़ी खबर यह कि दिल्ली में दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है और मुखर्जी नगर में बेसमेंट में यहां पर भी क्लासेस चल रही थी, लिहाजा एमसीटी की ओर से कार्रवाई की गई। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आ गई है आपके, देखिए दृष्टि कोचिंग की तस्वीरें जहां पर सील करने की जो कार्रवाई एमसीटी की ओर से कर दी गई है, यानी कि यहां पर ताला बंद कर दिया गया है क्योंकि यहां पर भी बेसमेंट के अंदर ठीक वैसे ही क्लासेस चलाई जा रही थी जैसे राजेंद्र नगर में क्लासेस चलाई जा रही थी, जिसके चलते 3 छात्रों की मौत हो गई। और अब दृष्टि कोचिंग पर सील की कार्रवाई चल रही है। दृष्टि कोचिंग वो कोचिंग जिसकी कई ब्रांचेस देश भर में है, लेकिन फिलहाल मुखर्जी नगर की ब्रांच की जो देख रहे हैं आप, इसको सील कर दिया गया है क्योंकि यहां पर भी बेसमेंट में क्लासेस चलाई जा रही थी, छात्रों की जिनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, लिहाजा एमसीटी की ओर से यहां पर कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया है। दरअसल यहां पर बेसमेंट में 5 अलग अलग क्लासेस चल रही थी और अब तक सरकार जो है इस पर नजर नहीं पड़ी थी। और बड़ी बात यहां पर यह कि एक बैच में यहां पे 700 बच्चे पढ़ते हैं और ये सभी बच्चे बेसमेंट में पढ़ते हैं, लिहाजा देखिए कि किस तरीके से जो आप देख रहे हैं दृष्टि कोचिंग का जो आप एरिया देख रहे हैं कैसे नीचे की तरफ जा रहा है ये इलाका पूरा का पूरा, और नीचे जाकर के बेसमेंट में यहां पे बच्चे पढ़ते हैं और 700 बच्चे पढ़ते हैं बेसमेंट में। जरा सोचिए कितनी जो जिंदगियां हैं यहां पर दांव पर लगाई गई है बच्चों की, और शायद यही वजह एमसीटी की ओर से कार्रवाई कर दी गई है। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पहली तस्वीर उन 3 छात्रों की है जिसे दिल्ली के लापरवाह सिस्टम ने मार डाला, इनके सपनों को कुचल डाला, इनके बच्चों की जिंदगी छीन ली। दूसरी तस्वीर मौत के बाद जागे सिस्टम की है, अब एमसीडी के दिल्ली में घूम घूम कर कोचिंग सेंटर्स सील करने का दिखावा कर रही है। अब सवाल यहां पर यह है कि सालों से अवैध रूप से चल रहे इन कोचिंग सेंटर्स पर अब तक प्रशासन मौन क्यों था, चुप क्यों था, जब 3 मौतें हो गई छात्रों की तब प्रशासन नींद से जागा है और अब सील करने की कार्रवाई का दिखावा किया जा रहा है। राजेंद्र नगर में जो दुर्घटना हुई उसका असर अब मुखर्जी नगर पे भी पड़ने लगा है। आप ये नोटिस यहाँ पर देख रहे हैं, राजेंद्र नगर में हुई दुर्घटना में मृतक छात्रों को श्रद्धांजलि के नोटिस यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन ये जो दृष्टि एक तरीके से इंस्टीट्यूट है, आप ये देखेंगे पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, इस दृष्टि इंस्टीट्यूट को भी अब यहाँ पर बंद किया गया है। और कारण ये बताया जा रहा है कि जो क्लासेस यहाँ पर चलती थी वो बेसमेंट में चलती थी और जो नियम कानून का पालन यहाँ पर किया जाना था वो नियम कानून का पालन जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया। कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या इसको बंद किया गया है दृष्टि को, क्या नियम कानून के पालन नहीं हो रहे थे यहाँ पर। सर आपने इस पर देखा होगा चारों तरफ आज दृष्टि सील की गई है। सर एक साल पहले ना आगजनी का कांड हुआ था संस्कृति आईएएस में, आप लोग न्यूज़ में चलाए होंगे, देखे होंगे। सर ये पद पहले हो जाना चाहिए था, सरकार अभी जग रही है सर। जब 3 बच्चों की ना सर आहुति दे दी गई, सर ये कोचिंग संस्थान ना सर एक कोचिंग संस्थान नहीं है सर, ये एक इंडस्ट्री के रूप में काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक नेक्सस हो गया सर। कि सर जब आज बेसमेंट में अगर ये सील लगा है सर तो सरकार आज क्यों लगी है, ये अगर इलीगल है सर तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सर आप इंतजार कर रहे थे, इसका मतलब है कि कुछ होना ऐसा कुछ हो उसके बाद मैं जगूँ सर। तो अगर इसका सर ना भुगतान एक बच्चों की आहुति दे के नहीं था सर तो सरकार को ना सर सोचना पड़ जाएगा। क्या सारी क्लासेस बेसमेंट में चलती थी या पूरे इंस्टीट्यूट को सील किया? नहीं सर, पूरे इंस्टीट्यूट को नहीं गया, 1, 2, 3 जो हॉल नंबर है वो नीचे थे, उसमें ज्यादातर बच्चे ज्यादातर उसमें जाते थे, ज्यादातर क्लासेस भी नीचे चलती थी बट 2-3 हॉल ऊपर है, लेकिन बच्चों के लिए तो नीचे भी ज्यादातर क्लासेस चलाई गई है। इसमें स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि नियमों की अनदेखी हो रही थी बेसमेंट में, क्या आप लोग सेफ सिक्योर सेफ फील नहीं करते? नहीं सर, जो हुआ है ये तो बहुत गलत हुआ है और यहाँ पे देखना चाहिए, जैसे इसके ऑनर डॉक्टर विकास देवी कीर्ति हैं, मैं उनसे मिला हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, लेकिन अच्छी बातें करने से नहीं होता, देश का फ्यूचर यूथ के हाथ में है और उन्हें देखना चाहिए कि इस पर क्या क्या, आप खुद देख सकते हैं जर्जर बिल्डिंग जो है यहाँ की किस तरीके से हैं, और यहाँ बहुत से गरीब बच्चे आते हैं जो UPSC की प्रिपरेशन, जिनके पास पैसे नहीं होते, बहुत मेहनत से करते हैं और उनसे इतनी फ़ीस भी, बहुत से बच्चे हैं जिनसे 2-2.5 लाख रुपए फ़ीस यहाँ, ये तो एक एजुकेशन के नाम पे बिजनेस चला रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। और सेफ्टी का तो मेजर ख्याल रखना चाहिए क्योंकि बहुत से बच्चे हैं, आप किसी को अगर किसी को कुछ भी हताहत होती है तो उसके जिम्मेदार कौन होता है, सरकार होती है, कौन होता है? आप लोग इतनी फ़ीस देते हैं पढ़ने के लिए, सेफ फील करते हैं बेसमेंट के अंदर क्लासेस चल रही है? समस्या ये है कि कोचिंग एक बिजनेस बना लिया गया है, जो कोचिंग और यहाँ पे जो डीलर हैं ये सब एक तरह से नेक्सस चल रहा है और इनको भी रोकना होगा। यहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरिया में भी लाइब्रेरियाँ चल रही हैं,
यहाँ पे ऊपर देख लीजिए पूरी लाइब्रेरी लगे हुए हैं, तारों का ये झुंड देख लीजिए आपको दिखेगा यहाँ पे। और कोचिंग यहाँ पे नीचे बेसमेंट में चलाई जा रही है, अगर इस तरह की दुर्घटना होगी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सेफ फील करते हैं स्टूडेंट यहाँ के? कोई मतलब नहीं है दिखाने का, अभी आग लगी थी तब भी आप लोगों ने दिखाया, हुआ कुछ नहीं। और सर से आप सरकार से हम लोग अपेक्षित है कि कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ होने से रहा। नीचे बेसमेंट में कम से कम 1000 बच्चे पढ़ते हैं, और फिर भी आज 5 साल पहले हम लोगों को पता है कि नोटिस मिल चुकी है, पूरा वर्धमान अवैध है जो है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बच्चे सेफ फील नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? इतनी फीसिस आप लोग भरते हैं फिर भी बेसमेंट में पढ़ना पड़ता है, फायर सेफ्टी सिस्टम आप लोगों के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स क्या फील कर रहे हैं? सर बिल्कुल नहीं, मैं दृष्टि आईएएस की बात करूँ, नीचे 10 क्लासरूम है और 5 से 10 हज़ार स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनकी कोई सुरक्षा का मतलब सुविधा नहीं निकल रही उनके लिए। और दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला, जहां बुलडोजर से एक्शन लेते हुए अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। दरअसल जो अवैध रूप से कोचिंग सेंटर में बेसमेंट बने हुए थे, जहां लाइब्रेरी का संचालन हो रहा था, एमसीडी ने उस पर कार्रवाई की है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं ओल्ड राजेंद्र नगर की, ये इंस्टीट्यूट सब एक ही स्ट्रक्चर जैसे बने हुए हैं, लाइन से बने हुए हैं। और लाइब्रेरी में ज्यादातर आप अभी प्रतिक्रिया भी बच्चों की सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि ऊपर भी हॉल रहते हैं लेकिन ज्यादातर जो क्लासेस कंडक्ट होती हैं वो लाइब्रेरी में ही होती हैं। अब एमसीडी अवैध रूप से बने कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई करते दिखाई दी, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां जेसीबी चलाई गई है, बुलडोजर एक्शन लिया गया है। और सीधे रुक करते हैं महिमा का, जुट रही है हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। महिमा, प्रशासन बहुत देर से जागा है, नींद से बहुत देर से जागा है, क्योंकि अब कार्रवाई का दिखावा किया जा रहा है, अगर ये पहले किया गया होता तो जो 3 छात्र थे बच गए होते आज। अनामिका बिल्कुल सही कह रही हो, ये बात छात्र भी यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर प्रशासन पहले जागा होता तो जो हुआ है वो नहीं होता। बहरहाल इसी बीच सबसे पहले आप तस्वीरें देख लीजिए, एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं, और यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। दरअसल यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है अभी उसको चेक किया जा रहा है, एमसीडी के कुछ अधिकारी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और अभी अभी वो चेक कर रहे थे यहाँ पर कि क्या ड्रेनेज सिस्टम ठीक है या नहीं। श्री राम आपको आईएएस इंस्टीट्यूट नजर आ रहा है, इसी के साथ साथ राउज इंस्टीट्यूट भी है, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त आप श्री राम इंस्टीट्यूट के बाहर देख रहे हैं तस्वीरें, जो कि बुलडोजर एक यहाँ पर है और ये बुलडोजर जो है यहाँ पर कार्रवाई करते हुए नजर आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, जो कि यहाँ पर जो छात्र है वो भी पूछते हुए नजर आए थे कि यही कार्रवाई, यही ड्रेनेज सिस्टम अगर आपने पहले चेक कर लिया होता, और जैसा कि आप बार बार जब भी एमसीडी के चुनाव हुए थे या विधानसभा के चुनाव होते उस पर भी बात कहते हुए नजर आते हैं कि इस बार ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाएगा और जल जमाव की जल भराव की समस्या है वो उस समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा लोगों को। तो अगर ये समस्या देख ले तो ऐसा नहीं होता। ये तस्वीर आपने देख ली श्रीराम की, और कुछ तस्वीरें आपको दिखाते फटाफट से, क्योंकि और जगहों पर भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जैसे कि आपको एक और इंस्टीट्यूट यहाँ पर नजर आएगा, यहाँ पर दूसरा बुलडोजर खड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी चेकिंग हो चुकी है, सुबह के समय यहाँ पर चेकिंग हुई थी और दोपहर के समय भी यहाँ पर एक और बुलडोजर खड़ा है, वो भी इसी तरह से ड्रेनेज सिस्टम को चेक करते हुए नजर आया था। जूम करके जरा तस्वीरें दिखाइएगा और देखिए यहाँ पर फिलहाल पाइप्स जो है वो आपको निकली हुई नजर आएगी। और अब जो एमसीडी के अधिकारी है, जब इतना बड़ा यह हादसा हो गया, इतनी बड़ी लापरवाही के दौरान यहाँ पर 3 छात्रों की मौत हो गई, अब यहाँ पर प्रशासन जागते हुए नजर आ रहा है, इसलिए लगातार सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीरें आपने देख ली, थोड़ा और अगर आगे की ओर आ पाएंगे यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी आपको मुस्तैद नजर आएगा, क्योंकि उस वाली तरफ अगर आप देखेंगे तो छात्र जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी जेसीबी है यहाँ पर, और तीसरी जेसीबी आपको जो नजर आ रही है इसके पीछे भी आपको नजर आएगा कि यहाँ पर भी ड्रेनेज सिस्टम को चेक किया गया है। एमसीडी की गाड़ी भी आपको यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है, ताकि इस मलबे को बाद में हटा करके इस गाड़ी में डाला जाए। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। आप देखिए राउज आई स्टडी सर्कल, ये वही सर्कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई। सुबह यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की टीम तैनात थी, वो अंदर गई थी। एलजी विनय कुमार सक्सेना यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने जो छात्र उनको आश्वासन भी दिया कि आपकी बात सुनी जाएगी और जो भी दोषी उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने वाली है। तो ओवरऑल तस्वीर इस वक्त ये हम आपको दिखा रहे हैं, और इसके बाहर भी फिलहाल एक्शन देखने को मिला। अगर उस वाली तरफ को आप देखेंगे तो छात्र वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं अनामिका, और छात्रों की साफ तौर पर मांग है जिन छात्रों की मौत हुई है उनके परिवार वालों में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा पहले सुबह के समय हम सुन रहे थे 1 करोड़ का मुआवजे की मांग कर रहे थे, लेकिन अब 2 करोड़ के मुआवजे की मांग करते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। हालांकि इनका साफ तौर पर कहना है कि एमसीडी का कोई भी अधिकारी, कोई मेयर या बड़ा ऑफिशियल अभी तक यहां पर नहीं पहुंचा, इसी वजह से छात्र काफी ज्यादा गुस्से में भी है। हालांकि एलजी यहां पर पहुंचे थे और सामने आ रही थी। महिमा ये भी बताइएगा कि अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है क्या?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। एक बार आपको उस वाली तरफ की तस्वीरें दिखा देते हैं और वहां पर एक तरफ की तस्वीरें हमने आपको दरअसल बुलडोजर एक्शन दिखाना था कि किस तरह से कार्रवाई अब की जा रही है, लेकिन अब हम दूसरी तरफ आ चुके क्योंकि बीच में बैरिकेडिंग की गई, पुलिस यहां पर मुस्तैद थी और कुछ छात्र जो है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, सुबह के समय छात्र कम थे, आपने देखा भी होगा तस्वीरों में क्योंकि सुबह से आप भी लगातार हैं, और अब जो छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इनसे हम जानेंगे कि आखिर इनकी मांग क्या है और वो प्रदर्शन पर क्यों बैठे हुए हैं। पूछते हैं छात्रों से, छात्रों की मांग क्या है, क्या मांगे आप? अभी हम पहले सुन लेते हैं फिर बताएंगे। अच्छा, आपको पता नहीं है अभी तक? पहले हम आप लोग अभी जस्ट आए तो इसलिए अभी थोड़ा सा पहले पता करके उसके बाद बताते हैं। ठीक है, तो ये लोग अभी फिलहाल यहाँ पर आए, जो लोग सुबह से यहाँ पर हैं उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि कुछ छात्र ऐसे हैं जो सुबह से यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि आखिर उनकी मांग क्या है। हमारी मांग जुडिशियल इंक्वायरी है और ट्रांसपेरेंसी।